क्योंकि VIPs और आम नागरिक के बीच में सब इनइक्वालिटी ही दिखाई दे रही है। आर्टिकल 15 सर मिसिंग दिखाई दे। हमारी टीमें और मैं खुद भी पिछले सप्ताह से जब से गाइडेंस शुरू हुई बस स्टैंड भी चेक किए, मार्केट भी गया, हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स फील्ड में हैं वो भी चलान कर रहे हैं। तो चलान करना तो एक इफेक्ट होगा ही होगा सोसाइटी में, लेकिन मेन मकसद है हमारा लोगों को समझाएं और अपने आप हर एक आदमी यदि फॉलो करेगा तो तभी बचाव हो पाएगा। तो अभी भी मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मास्क यूज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग करें। नहीं उनसे भी हम सभी को रिक्वेस्ट भी करेंगे और ताकि फॉलोअप करें से भी गाइडलाइंस का। अभी भी हमारे पास मास्क हमने रखे हुए हैं ताकि जितने भी कुछ दिखाई देता है, तो ये तो हर एक आदमी की ड्यूटी बनती है खुद कि वो फॉलो करे। नागरिक अस्पताल की वीडियो वायरल हुई है सर, जो स्टाफ नर्स है वो बगैर मास्क के दिखाई दे रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, उसमें भी उनको डायरेक्शन देंगे, सीमो साहब को कहूँगा कि कार्रवाई भी करेंगे। हॉस्पिटल स्टाफ को तो जरूरी यूज़ करना चाहिए मास्क पर, और आम पब्लिक को तो बाद में फॉलो करना ही करना है, लेकिन सबसे पहले तो हम जो ऑफिसर्स हैं, जो नर्स स्टाफ है, हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं, वो फॉलो करेंगे तो ही आगे दूसरे लोग भी फॉलो करेंगे। तो कुछ लोग थे वहाँ भी, लेकिन ज़्यादातर ने मास्क यूज़ किया हुआ था। नागरिक अस्पताल तो उस पर कार्रवाई करेंगे, काम को रोकाऊंगा। सर आर्टिकल 15 की बात करी जाए तो सर वो कब लागू होगा, क्योंकि VIPs और आम नागरिक के बीच में सब इनइक्वालिटी ही दिखाई दे रही है। आर्टिकल 15 सर मिसिंग दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है, सभी के लिए है। अभी मैं प्रोग्राम, थैंक यू।